धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय से मेरा सिर्फ आग्रह ये है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो अमेरिका गवर्नमेंट ने और खासतौर पर भारत में जो राजस्थान की सरकार जब कांग्रेस की थी तब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात उन्होंने की और कानून भी लाया भारत में यूनिवर्सल हेल्थ जो कि कंपलसरी और कॉमन हेल्थ की जो बात है जो ये मौलिक अधिकार भी है फंडामेंटल राइट भी है आम आदमी का। तो अध्यक्ष महोदय फंडामेंटल राइट पे GST जिसको हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता गडकरी साहब ने लिखा भी है कि GST पर जो बीमा है उस पर यदि उसके सामान पर जिन चीज़ों पर यदि आप इतनी GST आयुर्वेदी पर 15% लगाएंगे और हमारा देश जो है फार्मा के लिए जाना जाता है दुनिया में वर्ल्ड में लेकिन जब हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो आप किसी भी दुकान पर देखिएगा सभापति महोदय कि जेनेटिक दवाई और आयुर्वेद की दवाई नहीं के बराबर रहती और कोई डॉक्टर नहीं लिखता है डॉक्टर पर्ची उसी को लिखेगा जो उनको कमीशन देता है डॉक्टर बगैर कमीशन के दवाई लिख ही नहीं सकता दवाई के लिए MR हैं बहुत क्लियर है सभापति महोदय। मेरा कुछ भी नहीं कहना मेरा कहना है कि स्वास्थ्य पर आप कितना बजट देते हैं क्या देते हैं उसमें मैं डाटा में नहीं जाऊंगा। मेरा 43,000 निजी 69,000 अस्पताल है इस देश में 39,000 अस्पताल प्राइवेट है प्राइवेट और किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड CT स्कैन MRI नहीं होता है जांच नहीं होता है कैंसर का इलाज नहीं है। बिहार में किसी भी गांव में शहरों में डिस्ट्रिक्ट में नहीं के बराबर है। आप एम्स की बात करते हैं मुझे आश्चर्य लगता है कि जब डॉक्टर ही जर्मनी और अन कंट्री की स्थिति देखने का मैंने दूसरी बात कही कि जो दवाई अन कंट्री में बैंड कर दिया गया उसको हम चला रहे हैं। मैं दूसरी तीसरी बात करना चाहता हूं कि जैसे प्राइवेट है डॉक्टर मैं सिर्फ प्राइवेट पढ़ाऊंगा प्राइवेट फीस कब कितना लेगा एक महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को मिडिल क्लास को 1,000 रुपया से कम नहीं लेता 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता ये कौन तय करेगा अल्ट्रासाउंड CT स्कैन MRI एक्सरे जांच 3,800-4,000 12,000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को 300 रुपया देने वाला किसी भी आप उठा करके देखिए। मैडम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है सभापति महोदय वो क्या कहता है वो कहता है बात को संक्षिप्त सर मैं अपनी बात इसीलिए दिक्कत होता है कि वो क्या कहता है डॉक्टर कहता है कि नहीं जांच तुम मेरे यहाँ कराओ जांच मैं जहाँ कह रहा हूँ वहां कराओ उसके बाद मैं मान्यता दूंगा। जो पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड प्राइवेट करता है जो डॉक्टर नहीं है उसको खोल के और जांच में गलत तरीके से जांच दे देता है मैं उसी पर आ रहा हूँ मैं जांच गलत देता है पैथोलॉजी जांच गलत देता है और डॉक्टर दवाई बेचने के लिए ये करते हैं। मेरा आग्रह है जो नर्सिंग होम डॉक्टर के नहीं है कोई पप्पू यादव ने खोल लिया ABCDZ माफिया ने खोल लिया और डॉक्टर का नाम देकर के वो नर्सिंग होम चला रहा है क्यों चलाएगा उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है बिहार सरकार रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाती है MP का उस पर कोई निगरानी क्यों नहीं है। तो मेरा आग्रह है इतना ही कि कम से कम फीस तय हो अल्ट्रासाउंड CT स्कैन MRI मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन आप कर रहे हैं मैं अपने क्षेत्र का एक मिनट में बोल के बिहार कोसी सीमांचल पूर्णिया जिले में पूर्णिया जिले के लिए कोसी सीमांचल में मैं एक एम्स की बात पूर्णिया जिले में कैंसर सीमांचल मुख्यालय पूर्णिया में बर्न अस्पताल सीमांचल क्षेत्र में जिला मुख्यालय पूर्णिया में कैंसर अस्पताल कोसी जिला मुख्यालय सहरसा में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोसी कमिश्नरी जिला मुख्यालय सहरसा में ट्रामा सेंटर और बिहार पूर्णिया जिला आ गई बात आपकी बात आ गई। मैं लास्ट कर रहा हूँ मेरा सिर्फ मैं लास्ट कर रहा हूँ मेरा आग्रह ये है कि निजी नर्सिंग होम पे और फीस पे जांच पे धन्यवाद अल्ट्रासाउंड MRI CT स्कैन लगे उसका अन्यथा किसी भी कीमत पर जितना बजट ले आइए कुछ नहीं होने वाला है।